तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं ए से जेड तक ए बी सी डी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेव, एप्पल मतलब सेव। तो ये हमारा ए कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लिखेंगे बी, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बॉल मतलब गेंद, बॉल मतलब गेंद। ये हमारा बी भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब हम लिखेंगे, बताइए क्या, अब हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे सी, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, कैट मतलब बिल्ली। अब हम लिखेंगे डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, डॉग मतलब कुत्ता। ये हमारा डी कंप्लीट हो गया है। अब हम लिखेंगे ई, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, एलिफेंट मतलब हाथी। तो ये हमारा ई भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अब हम लिखेंगे एफ, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली, फिश मतलब मछली। अब हम लिखेंगे जी, जी फॉर गन, गन मतलब बंदूक, गन मतलब बंदूक। अब हम लिखेंगे एच, एच फॉर हैन, हैन मतलब मुर्गी, हैन मतलब मुर्गी। ये हमारा एच कंप्लीट हो गया है। अब हम लिखेंगे आई, आई मतलब आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, ये हमारा आई भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों, ये देखिए। तो अब हम लिखेंगे जे, जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर, ये हमारा जे कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्या लिखेंगे बताइए, अब हम लिखेंगे के, के फॉर काइट, के फॉर काइट, काइट मतलब पतंग, काइट मतलब पतंग, ये हमारा के भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लिखेंगे एल, एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन, ये हमारा एल कंप्लीट हो गया है। अब हम लिखेंगे एम, एम फॉर मंकी, एम फॉर मंकी, ये हमारा एम भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अब हम लिखेंगे एन, क्या लिखेंगे एन, एन एन फॉर नेक्स्ट, एन फॉर नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब घोंसला, नेक्स्ट मतलब घोंसला। अब हम लिखेंगे ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब तो ये संतरा, ऑरेंज मतलब संतरा। ये देखिए अब हम लिखेंगे पी, पी फॉर पिकॉक, पी फॉर पिकॉक, पिकॉक मतलब बताइए, पिकॉक मतलब क्या होता है, पिकॉक मतलब मोर, पिकॉक मतलब मोर। अब लिखेंगे आर, आर फॉर रोज, आर फॉर रोज, रोज मतलब गुलाब, रोज मतलब गुलाब। एस फॉर शिप, एस फॉर शिप, शिप मतलब भेड़, शिप मतलब भेड़। टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर, टाइगर मतलब शेर, टाइगर मतलब बाघ होता है। ये देखिए अब हम लिखेंगे यू, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब बताइए, अम्ब्रेला मतलब छाता, अम्ब्रेला मतलब छाता। अब हम लिखेंगे वी, वी फॉर वैन, वी फॉर वैन, देखिए ये हमारा वी भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब लिखेंगे डब्लू, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, वॉच मतलब घड़ी, वॉच मतलब घड़ी। अब हम लिखेंगे एक्स, एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्स फॉर एक्समस ट्री, ये देखिए हमारा एक्स भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अब हम क्या लिखेंगे बताइए, अब हम लिखेंगे वाई, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक। अब
क्या लिखेंगे दोस्तों, तो ये अब हम लिखेंगे जेड, क्या लिखेंगे जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा। ये हमारा जेब्रा भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ए से जेड तक ABCD कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।